थिंक स्मिता जी का आज बर्थडे है, अगर इफ़ यू गेट अ चांस टू प्ले लीडर लाइक बाला साहब ठाकरे जी, ऑफकोर्स आपको करना ही चाहिए और उनकी लाइफ पर कुछ बनना ही चाहिए. बट बिफोर दैट आई थिंक आई शुड पॉलिश माई मराठी. हैप्पी बर्थडे उनको बोलना चाहता हूँ. और मुझे पता है कि हवाई जहाज़ के टाइम पर उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका बेटा जो राहुल है वो खुद भी ऐसी फिल्म बनाना चाहता था. And I'm glad that she supports the industry also at the same time, and she has that inclination towards art and music. No, I'll just be helping as a friend to him, and basically it's his direction thing. But yes, because we are together in this project, so guidance nahi, matlab dosti ke hisab se, you know, kaise bana sakte hain, kya ho sakta hai, aur expertise kisi ko pata nahi hai, sab log first timer hi hote hain. Birthday girl is very happy. फुल सेलिब्रेशन चल रहा है, सब मस्ती में है, एंड बहुत अच्छे से हमने दूसरे से मिले एंड हमने हक किया एंड विश किया. सो कैसे, सबसे पहला विश तो आपको बच्चों ने दिया, बच्चे मेरे पेरेंट्स, और मुझे मालूम है कि ऊपर से साहब ने पहला विश दिया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उनको पैर छूती थी और उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है. आज तो मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ मम्मी के बर्थडे पर. सो Of course, I would really सुबह से तो मैं करते ही आ रहा हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल माई मॉम हाउ मच आई लव हर, एंड अगेन वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आई. एंड दैट्स इट राइट एज ऑफ नाउ. इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर हिम, एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड इट, एंड वी ऑल आर रियली हैप्पी माई वी ऑल आर टुगेदर. तो हम लोग डेफिनेटली अच्छा कुछ आपके लिए लेके आएंगे साहिब. अभी तो बिल्कुल नहीं कुछ डिस्क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है कि हम करेंगे. आगे जाके देखिए, फिर आपको भी तो न्यूज़ चाहिए कि आगे कौन कौन आ रहा है. अभी एक ही साथ सब कुछ पूछेंगे तो कैसा होगा. उनसे मतलब टिप्स नहीं, पूरी सीख तो उनसे ही मिली है मुझे. उन्होंने उनके साथ जो भी वक्त गुजारा है मैंने, मुझे बहुत मतलब माइन्यूट सी चीज़ें बहुत सारी सीखने मिली है. तो होपफुली अभी जब आगे जाकर फिल्म करूँगा ये, तो जो भी सीखा है वो अप्लाई करना चाहूँगा मैं. ऐसे चीज़ें दिखाएंगे जो बाकी को नहीं मालूम. वो जो है ना वो स्क्रीन प्ले पर आधारित है, तो अभी राहुल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्ले और स्टोरी और अपने रिसर्च पे लगा हुआ है. और फिर जो चीज़ें जो नहीं पता है और जो पता है वो सारी चीज़ें एक फिल्म में जो दिखानी चाहिए, क्योंकि फिल्म दो बार नहीं बनती, एक ही बार बनती है. जैसे उमंग सरबजीत एक ही बार बनाएंगे, मैरी कॉम एक ही बार बनाए, तो वो ये रिसर्च वाली टीम होती है. तो एक रिसर्च होने के बाद जब लिखावट कंप्लीट होगी, उसके बाद ही हम देख सकते हैं क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते.